यूपी के रायबरेली में आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक पत्नी ने बड़े साहस से अपने पति के खिलाफ पति से हिफाजत करने की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना परिवार चलाती है, उसका पति शराबी है। वो पीड़िता के मकान पर अपने भाई व बहन को काबिज कराना चाहता है। पीड़िता सरिता सोनकर मील एरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम मोहल्ले में रहती है व ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। 13 जून को उसका पति अपने भाई व बहन के साथ पहुंचा और उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसका कान फट गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन वहां से उसे न्याय नहीं मिला। तब मजबूरी वश आज वो अपने पति की शिकायत करने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। फिलहाल साहब ने उसे मामले में उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जहां लाख दावे व बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन महिलाओं की शिकायत पर आखिर थाने पर बैठी पुलिस गंभीर क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है, जबकि थाने पर सुनिश्चित कराई जाए कार्यवाही। इसके लिए आईजी रेंज तरुण गाबा व पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सर, मेरा नाम सरिता सोनकर है। क्या है मामला? सर, हमारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। हमारे पति विजय सोनकर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, महिला अनुसूचित अध्यक्ष हैं। वो आए दिन हमसे मारपीट करते हैं। हम अपने घर में छोटा सा पार्लर चलाते हैं और उनके भाई बहन भी हमसे आकर के मारपीट व अवैध वसूली करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे सर पर मारा था, उसका हमने मिलेरिया थाना में FIR किया था। इससे हमारे सर में 3 टाँके लगे, उसका मुकदमा भी दर्ज है। उसके बाद अभी रिसेंटली 13 तारीख को उन्होंने हमारे कान पर वार किया, घर की दीवार तोड़ रहे थे, हमने उन्हें मना किया तो उन्होंने अपने भाई और सबको बुलाकर हमारे कान पर वार किया, जिस पर हमारा थाने गए, थाने पर भी 151 का केस लगा करके मामूली तौर दिखाकर हमें वापस कर दिया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।